हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, आज 3 सितंबर 2024 यानी कि आज की डेट से है जो RFCL के स्किल टेस्ट है वो स्टार्ट हो गए हैं। स्किल टेस्ट है फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं, स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने बच्चों को आज बुलाया है उनमें से कुछ एक बच्चे हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जिनके थ्रू मैं आज इस RFCL के स्किल टेस्ट की है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं कि आज जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेसिंग हुई, किस तरीके से आपसे स्किल टेस्ट के अंदर क्या पूछा गया है, कैसा वहाँ पर एनवायरमेंट था और आपसे क्या क्या प्रैक्टिकल वहाँ पर करवाए हैं। बात करेंगे कि आपके स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा है और स्टार्टिंग से आपसे क्या जो आपका एंट्री है उससे कहाँ से आप किस तरीके से आगे प्रोसेसिंग हुई है। तो सबसे पहले जो आपका RFCL है उसके अंदर हुआ है आपका DV। तो फ्रेंड, DV के लिए आपको जो है पहले ही बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और किन डॉक्यूमेंट्स की कितनी सेट है वो फोटोकॉपी करवा के लेके जानी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी करवा के लेके जाओ उन डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। जैसे ही आप स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं, स्किल टेस्ट के लिए जाने के जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। जैसे ही आप हॉल में बैठ जाएंगे वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि 10-5 मिनट आप वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फील कर लीजिए, किसी तरीके से माइंड में प्रेशर ना रखिए। जैसे आप वहाँ पे बैठ जाएंगे उसके बाद में एक टीचर आएंगे, टीचर आकर आपको वहाँ से 4 लोगों को है वहाँ से लेके जाएंगे एक दूसरे हॉल के अंदर जहाँ पर आपके स्टार्ट है DV। आप 4 लोगों को लेके जाएंगे, वहाँ पर स्टाफ वेटर रहेगा जो कि है आपके DV यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक करेगा, ओरिजिनल चेक करेगा और जो आपने फोटोकॉपी लेके गए हैं उनको चेक करेंगे कि उनमें कोई डिफरेंट तो नहीं है। अगर कोई फोटोकॉपी के अंदर कोई चीज़ है जो मिसमैच होती है तो आपको ओरिजिनल से चेक करेंगे, या फिर जैसे फोटोकॉपी में सही नहीं आ रहा तो वो आपको टाइम दे देंगे जिससे कि आप वो फोटोकॉपी है दोबारा करवा के उनको प्रोवाइड करवा दें। वहाँ पर DV करते टाइम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस चीज़ के जवाब देते टाइम आप किसी भी तरीके से गलती ना करें। इसके बाद में फ्रेंड्स, जो 4 लोगों का DV हो जाएगा उन 4 लोगों को एक अलग हॉल में बैठा दिया जाएगा, यानी जिनका DV होता जा रहा है उनको अलग हॉल में बैठा दिया जाएगा और जिनका नहीं हुआ है उनको अलग हॉल में रखा जाएगा। फिर वहाँ से 4 लोग लाए जाएंगे, DV कराएंगे और उन जो जिनका पहले DV हो गया उस हॉल में उनको बैठा दिया जाएगा। अब ऐसे करके जैसे उसके अंदर हॉल के अंदर 8 लोग हो गए तो जो टीचर आपको पहले DV करवाने के लिए लेके आए थे वही टीचर्स आपको अब लेके जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए दूसरे हॉल के अंदर। जिस हॉल के अंदर आपको स्किल टेस्ट हो रहा है वहाँ पर जब आपको लेके जाया जाएगा तो उन 8 में से 4 बच्चों को जो है बाहर रखेंगे और बाकी 4 को है जो अंदर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, जो 4 लोगों को अंदर लेके जाएंगे तो ये 4 लोग फिक्स नहीं है कि 4 को ही अंदर लेके जाएंगे। जैसे 8 लोगों को जो है DV हॉल से है जो स्किल हॉल तक लेके गए तो ज़रूरी नहीं है वहाँ आपको 4 लोगों को ही अंदर लेके जाए। वो डिपेंड करता है कि आपके जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर कितने जो आपके टीचर्स हैं वो बैठे हैं। जितने टीचर्स वहाँ पर बैठे होंगे उसके अकॉर्डिंग पर टीचर एक स्टूडेंट को है अंदर बुलाया जाएगा। मतलब अगर वहाँ पर 4 टीचर है तो 4 स्टूडेंट को, 3 टीचर है तो 3 स्टूडेंट को अंदर बुलाया जाएगा। बाकी के जो बच्चे हैं वो जो गेट है वहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही अंदर वाले जो स्टूडेंट हैं वो जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक बाहर वाले स्टूडेंट अंदर नहीं जा सकते। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अंदर जाते टाइम आपसे पहले ही बोला जाएगा कि आपकी जो हाथ में घड़ी है, कड़े हैं या किसी ने धागा बांध रखा है, गले में नेक बैंड या फिर जो आप चैन पहन रखे हैं, ईयरबड हो गए आपके या फिर आपका फ़ोन हो गया, इस तरीके की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई ज्वेलरी आपने पहन रखी है या किसी भी तरीके कोई और इक्विपमेंट आपके पास है तो वो आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे आपको पेन, पेंसिल, इरेजर वगैरह या कुछ भी ऐसी ग्रोसरी है वो अंदर नहीं ले जानी और ना ही कोई पेपर वगैरह है वो आपको अंदर लेके जाने हैं। सब चीज़ें हैं जो आपको बाहर ही रखनी है। जो आपकी DV कराएंगे वहाँ पर आपकी फोटोकॉपी रख लेंगे, ओरिजिनल दे देंगे तो ओरिजिनल भी आपको है सेफ जगह पे रखवा दिया जाएगा जो कि आपके स्किल टेस्ट होने के बाद में वापस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बात करेंगे अब कि जो आपका स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट के अंदर क्या पूछा जा रहा है और वाइवा के थ्रू पूछा जा रहा है, रिटर्न के अंदर पूछा जा रहा है या फिर आपसे प्रैक्टिकली करवा के दिखाया जो है पूछा जा रहा है। तो उसके अंदर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज स्किल टेस्ट हुआ है उसके अंदर इस चीज़ से है, इस चीज़ का कोई फिक्स नहीं किया गया है कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपसे रिटर्न में ले, वाइवा के थ्रू ले रहा है या फिर आपसे प्रैक्टिकल के थ्रू ले रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स का आज स्किल टेस्ट हुआ है उनके माध्यम से मेरे को ये पता चला है कि आज का जो स्किल टेस्ट हुआ है उसके अंदर 100 में से 90% जो स्किल टेस्ट हुआ है वो जो है ऐसे एज अ वाइवा के थ्रू ही आपसे करवाया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स, एक बच्चे से मेरी बात हुई तो उसने मेरे को बताया कि उससे क्या पूछा गया है। तो उसने बताया कि उससे है, जैसे ही उसकी एंट्री हुई स्किल टेस्ट हॉल के अंदर तो उससे जो है एक टीचर से
सबसे पहले उसकी जो है उसके बारे में पूछा गया, स्टूडेंट के बारे में नेम वगैरह पूछ लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स उसको है जो रिटन के अंदर है जो पूछा गया है, पेपर एक पेपर दे दिया गया, एक पेन दे दिया गया है, उससे पूछ लिया कि आप है जो ट्यूबलाइट कनेक्शन है वो हमारे को इस पेपर पे करके बताइए कि किस तरीके से ट्यूबलाइट कनेक्शन होते हैं। उसके बाद उससे पूछ लिया गया है कि जो ट्यूबलाइट कनेक्शन होते हैं उसके अंदर कौन कौन से जो आपके इक्विपमेंट है वो यूज़ में लिए जाते हैं, तो उसके बारे में उससे पूछ लिया है। और वायरिंग के बारे में है ड्रॉ करके पूछ लिया कि किस तरीके से है जो कौन सी वायरिंग की जाती है, जैसे मान लिया जीने की वायरिंग उनसे है जो पूछ ली। और दूसरे स्टूडेंट से जैसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ तो उसने मेरे को बताया कि उसको है जो टीचर है जो उसके उसे जो स्किल टेस्ट ले रहा था तो वो उसको सीधा ही ले गया पैनल के ऊपर। पैनल पे ले जाने के बाद में उससे पूछ लिया कि जो ये पैनल है वो किस मोटर के लिए है, कौन सी मोटर इससे चल रही है, कौन से स्टार्टर से चल रही है, कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें ऊपर लगे हुए हैं पैनल के ऊपर, कौन सा मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, और जो वोल्ट मीटर है उसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, वाट मीटर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, पावर फैक्टर मीटर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल हुआ है उनका जो है वाइवा के थ्रू ही हुआ है, मतलब किसी भी प्रकार से है जो कनेक्शन आपसे करवा के नहीं पूछा कि भाई हमारे को इस स्टार्टर से है ये मोटर चला के दिखाइए, या फिर इस स्टार्टर के है जो टर्मिनल चेक करना बताइए, इस मोटर के टर्मिनल चेक करना बताइए, इस तरीके से जो है आपसे कुछ भी नहीं करवाया है, फिजिकली आपसे कुछ भी नहीं करवाया, बस एक वाइवा के थ्रू आपसे पूछा है कि हमारे को इस जैसे हमारे को उसके अंदर एक स्टूडेंट से पूछा है कि ये जो मोटर है डीसी संट मोटर है तो इस संट मोटर के टर्मिनल किस तरीके से चेक करते हैं। स्टूडेंट ने बोला कि हमारे को जो है टर्मिनल चेक करने के लिए जो हमारे को इक्विपमेंट जैसे टेस्ट लैंप हो गया, आपका मल्टीमीटर हो गया, तो इस तरीके की इक्विपमेंट है हमारे को प्रोवाइड करवाइए तो हम चेक करें। तो टीचर ने बोला कि हमारे को है जो इक्विपमेंट से नहीं, हमारे को है जो आप वाइवा के थ्रू ही इस तरीके से बता दीजिए कि इस तरीके से हम जो है टेस्ट लैम के माध्यम से इस तरीके के टर्मिनल चेक करते हैं। तो ये चीज़ है वो वाइवा के थ्रू ही उनसे पूछी गई है। और एक स्टूडेंट से हमारी बात हुई जिससे यही जो है पैनल पे ले गए और उनसे है जो मीटर के बारे में ही जो सारी डिटेल्स पूछी गई है, कौन सा मीटर आपका एसी का है, डीसी का है, कौन सा मीटर है जो मूविंग कॉइल है, मूविंग आयरन है, और इनके कनेक्शन है वो किस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से है जो आज वाइवा के थ्रू ही आपसे जो स्किल टेस्ट है वो करवाया गया है। तो फ्रेंड्स जो मैंने जिन भी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट किया, तो 5-6 लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनसे मेरे को एक ही चीज़ है वो यहाँ पे रिजल्ट में निकल के आई कि उनसे है जो वाइवा के थ्रू जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें से 92-95% जो क्वेश्चंस है वो मोटर से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड, आपके स्टार्टर से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो है मीटर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो जैसे कि मोटर जनरेटर है तो इसके अंदर भी आपसे टर्मिनल पूछ लिया, तो ये वाइवा के थ्रू ही पूछ रहा है, टर्मिनल चेक करना पूछ लिया, स्टार्टर के टर्मिनल चेक करना पूछ लिया है। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप अभी तक मोटर जनरेटर के या फिर किसी भी स्टार्टर के टर्मिनल चेक करना नहीं सीखे हैं, जैसे कि अब स्किल टेस्ट में आपसे पूछा ही जा रहा है, तो अगर आपको अभी भी अगर वाइवा के थ्रू नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि इस तरीके से इसके टर्मिनल चेक करते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने है जो प्रैक्टिकल नाम से प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे बना रखी है, जिसका आपको यहाँ पे आई बटन के अंदर देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का आई बटन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हर एक मोटर के बारे में, हर एक स्टार्टर के बारे में मैंने बहुत बारीकी से आपको बताया है कि किस तरीके से इसके टर्मिनल चेक करे जाते हैं, किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरीके से किस मोटर को किस स्टार्टर से चलाए जाते हैं। और फ्रेंड्स कई स्टूडेंट्स से मेरे को ये भी पता चला कि उनसे क्रॉस क्वेश्चन बहुत करे गए हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि जो आपकी डीसी संट मोटर है वहाँ पर उसको चलाने के लिए आपके पास 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं है, तो आप किस स्टार्टर का यूज़ लेंगे जिससे कि आपकी जो संट मोटर है वो स्टार्ट हो सके। तो इस तरीके से आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट से पूछा कि आपके पास दो मोटर, जैसे कि पैनल पे ले गए उनको, पैनल पे ले जाने के बाद दो मोटर थी, दोनों मोटर के लिए आपको उनको बोला गया कि हम इनके जो डाटा प्लेट है उसको एक्सचेंज कर दे। एक्सचेंज करने के बाद दोनों मोटर के जो डाटा हमने प्लेट एक्सचेंज करी तो उनके अंदर है हमारे को क्या चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस मोटर की आप डाटा प्लेट चेंज कर रहे हो तो उनके जो डाटा लिखे हुए हैं वो सिमिलर तो है, अगर सिमिलर नहीं है तो आप उन जो यूनिट्स हैं उनको सिमिलर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो कल आपका स्किल टेस्ट होगा तो हम एक और एक वीडियो बना के लाएंगे, तो जिन भी स्टूडेंट्स का कल है स्किल टेस्ट होगा तो उनसे भी हम जो रिव्यू लेंगे कि किस तरीके से उनका जो है स्किल टेस्ट हुआ है, ताकि आगे जो जिनका भी स्किल टेस्ट है उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।